अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम विज़िट करेंगे 10 मरला घर। 3565 इसकी डायमेंशन है और आइडियल लोकेशन है सेक्टर सी बहरिया टाउन लाहौर। इसकी लोकेशन है सेक्टर सी, ये बहरिया की मेन एंट्रेंस पे आता है। और इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रीट व्यू की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं डेवलप एरिया है ये, बिल्कुल सामने ये पार्क है और ये बड़ा फैमिली पार्क यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मस्जिद की लोकेशन, मेन रोड की कमर्शल मार्केट की लोकेशन इसके बिल्कुल नियर टू है। तो सबसे पहले हम इसका ये फ्रंट एलिवेशन डिस्कस करेंगे। फ्रंट एलिवेशन में सबसे पहले आप देख सकते हैं कटिंग में फुली टाइल वर्क हुआ है यहाँ पे, और ऑफ वाइट और ब्लैक थीम इसे डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ये बिल्कुल सामने आपको बालकनी नज़र आ रही है। ये फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है जिसे बहुत ही खूबसूरती से ये प्रोफाइल लाइट दी गई है इसके साथ, और ये टाइल का पैच दिया गया, आप व्यू कर सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं आउटडोर लाइट्स दी गई हैं, और ये लेफ्ट साइड पर ये इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया है जहाँ जिसपे अगेन ये प्रोफाइल लाइट्स हैं। यहाँ पे आयरन वर्क है और बहुत ही खूबसूरती से इसके टेरेस को कवर्ड किया गया फ्रंट से। और इसके साथ ये इसकी फ्रंट मेन वॉल है जिसे अगेन इसके एलिवेशन की तरह उसी थीम में इसे टाइल वर्क के साथ कवर्ड किया गया। प्रोफाइल लाइट्स दी गई हैं, ग्लास वर्क हुआ, आउटडोर लॉन दिया गया, यहाँ पर प्लांटेशन की गई है, और इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है। अगेन हम आपको दिखाते चलें, ये बिल्कुल सामने जो पार्क का व्यू आ रहा है यहाँ पर आप सिटिंग कर सकते हैं फैमिली के साथ, तो आइडियल लोकेशन है इसकी। ये इसका मेन डोर है, मेन डोर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये इसमें रैंप है, और ये हम इंटर हो गए हैं इसके गैराज में, और गैराज में आप व्यू कर सकते हैं आपकी दो बड़ी गाड़ियां यहाँ इजीली पार्क होंगी। और अगेन इसकी लेफ्ट साइड की वॉल पे, फ्रंट वॉल पे, और इसी तरह राइट साइड पे फ्रंट ओपन स्पेस पे आप देख सकते हैं ओवरऑल कटिंग में टाइल यूज़ की गई है। ये इसमें लॉन एरिया दिया गया, और ये इस वाटर यूनिट है, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन दिया गया यहाँ पे। इसे आप एज एक्वेरियम भी यूज़ कर सकते हैं और सिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, तो इस तरह इसे डिज़ाइन किया गया। ये ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम की विंडो दी गई है, इसके साथ ये फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम की विंडो, ये इसमें टेरेस, और ये गैराज का व्यू। इस तरह इसकी फ्रंट साइड डिज़ाइन की गई है, और एंट्रेंस के साथ लेफ्ट साइड पर यह 5 फिट गली है, और इसी साइज़ में गली इस घर की बैक साइड पर दी गई है। तो आए हम घर अंदर से विज़िट करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, मेन डोर जो है इसका बहुत ही खूबसूरत ये वुडन स्ट्रिप्स डिज़ाइन की गई हैं, ग्लास पैनल है, हैंडल दिए गए हैं, सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मेन डोर से हम इंटर होंगे, और इसके इंटरेस्ट आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। नीचे ग्राउंड पर अगर आप देखते हैं तो बुक मैच टाइल यूज़ की गई यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर शेड आ रहा है। इसके साथ सीलिंग डिज़ाइन में आप देख सकते हैं लॉबी में बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्टिक वर्क हुआ है, शैंडल या स्टॉल है, और ये लेफ्ट साइड पे स्टेज दी गई है, इसके साथ पाउडर रूम है। तो और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉल के साथ फुली टाइल वर्क है, वॉलपेपर यूज़ नहीं किया गया, कटिंग में टाइल यूज़ की गई है, और ये टेक्सचर पेंट किया गया यहाँ पे। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुक है इस डोर की। और ये इसमें ड्राइंग रूम का डोर है, यहाँ से आप सेपरेट इंट्रेंस एग्जिट ले सकते हैं ड्राइंग रूम से। हम इंटर होंगे ये इसके लिविंग एरिया से। ये इसमें मेन डोर दिया गया लिविंग एरिया का, तो आप इस घर की जो वाइब है, लुक है, वो आप व्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है ओवरऑल इसे एक लुक प्रोवाइड की गई है। ये फ्रंट भी आप देख सकते हैं कटिंग में टाइल है, और इसके साथ आप देख सकते हैं पीवीसी पैनल यूज़ किया गया है, ग्लोब या इंस्टॉल है, और मीडिया वॉल आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये कंसोल दिया गया यहाँ पे, और ये डेकोरेशन पीस दिए गए हैं। मीडिया वॉल पर अगेन शीट वर्क हुआ, ये ब्रास में स्ट्रिप्स दी गई हैं। तो ओवरऑल हर वॉल को डेकोर किया गया, प्रॉपर डिज़ाइनर हाउस है ये। ये इसका लिविंग एरिया था, ये हम इंटर हो गए हैं इसके ड्राइंग रूम में। यहाँ पे आप कर्टन यूज़ करके इसे सेपरेट कर सकते हैं, और ये यहाँ पे टेबल दिए गए हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं सेंटर टेबल। और ये इसमें फ्रंट वॉल है इसके ड्राइंग रूम की, और आप देख सकते हैं MDF शीट यूज़ की गई है, या PVC पैनल है, ग्लोब या इंस्टॉल है, और बहुत ही खूबसूरत ओवरऑल इसकी लुक आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं डेकोरेशन पीस दिया गया, और इसके साथ ये विंडो है, ये भी हमने बाहर से विजिट की है, बाहर से फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। कर्टन इसमें यूज़ किए गए हैं, और ये इसमें फायर प्लेस दी गई है, और अगेन टाइल वर्क है, यहाँ पे ब्रास वर्क है, बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। ये इसमें डोर दिया गया है, यहाँ से आपको आप एग्जिट ले सकते हैं इसकी लॉबी की तरफ। तो इस तरह ये इसके ड्राइंग रूम की लिविंग एरिया की डिटेल थी, और ये दो बेडरूम बिल्कुल सामने दिए गए हैं। और इससे पहले ये किचन एरिया है, पहले हम इसका किचन विजिट करेंगे। तो किचन में भी आप देख सकते हैं, और किचन में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसे भी डिज़ाइन किया गया है, और ये सीलिंग तक, और ये आप देख सकते हैं सीलिंग तक ये ऑफ वाइट कलर में हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है, और इसके कैबिनेट डिज़ाइन की गई है, और ग्लास पैनल यहाँ पे यूज़ किया गया, हाइड्रोलिक कैबिनेट दी गई है। बिल्कुल सामने ये विंडो है, सिंक दिया गया यहाँ,
और ये माइक्रो ओवन बेकिंग ओवन या इंस्टॉल है। इसी तरह लोअर कैबिनेट इसकी डिज़ाइन की गई है, बर्नर हुड या इंस्टॉल है, वॉल के साथ टाइल वर्क आप देख सकते हैं। तो ये इसमें इसके किचन एरिया की डिटेल थी जो भी हमने विजिट किया। ये हम वापस आएंगे लिविंग एरिया में, ये हम विजिट कर चुके हैं और दो बेडरूम दिए गए हैं इस बिल्कुल सामने ये। तो पहले हम इसका फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत इसे एक लुक प्रोवाइड की गया, डिज़ाइन किया गया। नीचे ग्राउंड पे वुडन डिज़ाइन में टाइल वर्क है, बिल्कुल सामने ये पोशिश किया गया है, ब्रास वर्क है और वुडन डिज़ाइन में टाइल वर्क है और ये टेक्सचर पेंट किया गया। ग्लोब या इंस्टॉल है, सीनरी इंस्टॉल है। सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल सिंपल है, बेड साइड वॉल के सामने ये आपका एलईडी यूनिट आ जाता है और ये फैब्रिक यूज़ किया गया यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कंसोल है यहाँ पे और कंसील वार्डरोब दी गई है। और ये इसमें वॉशरूम का व्यू, वॉशरूम आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है सेपरेशन की गई है। ये वैनिटी एरिया आ जाता है आपका, बहुत ही खूबसूरत वैनिटी है। ये कमोड एरिया आप व्यू कर सकते हैं, कंसील कमोड दिया गया, फुली टाइल कवर्ड इसे डिज़ाइन किया गया। ये शावर स्पेस को सेपरेट किया गया और ये शावर स्पेस वन टाइल जो डाउन इसे डिज़ाइन किया गया। तो ये इसमें इसके मास्टर बेडरूम की डिटेल थी। इसके साथ ये सेकंड बेडरूम दिया गया, वो हम विजिट करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो ओवरऑल लुक है, लॉबी एरिया की, ड्राइंग रूम की, लिविंग एरिया की, इसके साथ जो किचन स्पेस है बहुत ही खूबसूरत जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस घर को डिज़ाइन किया गया। ये हम आगे हुए इसके सेकंड बेडरूम में, बिल्कुल सामने अगेन एक डिफरेंट जो है तरीके से इसकी बेड साइड वॉल को डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे शीट यूज़ की गई है, पीवीसी पैनल यूज़ किया गया, ग्लास पैनल यूज़ किया गया, ब्रास वर्क हुआ है, ग्लोब या इंस्टॉल है। तो इस तरह डिटेलिंग में से डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ये कंसील वार्डरोब आ जाती है और वाइट कलर में शीट वर्क हुआ है यहाँ पे। बेड साइड वॉल के सामने ये मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई, एलईडी यूनिट दिया गया यहाँ पे। और ये इसमें वॉशरूम आप व्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इस वॉशरूम का व्यू है। फुली एक कनाल के घर में इस तरह वैनिटी डिज़ाइन की जाती है, डबल वैनिटी दी गई है। ये मिरर या इंस्टॉल है, फुली टाइल कवर्ड इसे डिज़ाइन किया गया और बहुत ही खूबसूरत कटिंग में टाइल यूज़ की गई है। सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, शावर सेट इंस्टॉल है, ग्लोब हैंगिंग ग्लोब दिए गए और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास वर्क हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इसकी वैनिटी को डिज़ाइन किया गया। ये आपका कंसील्ड कमोड दिया गया यहाँ पे, ये निश दी गई है, विंडो दी गई है यहाँ पे। तो ये इसमें वॉशरूम की डिटेल थी जो हमने विजिट किया। और ये बेडरूम, नीचे ग्राउंड फ्लोर हम फुली विजिट कर चुके हैं। ये दो बेडरूम है बैक साइड पे, ये फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम अभी हमने विजिट किया, ये ड्राइंग रूम, ये लिविंग एरिया और ये इसमें किचन स्पेस। और ये हम वापस आएंगे लॉबी में, अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे। तो ये नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरह फर्स्ट फ्लोर भी बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन किया गया, ए प्लस इस घर की कंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइनर हाउस है। और ये स्टेज के साथ आप देख सकते हैं टाइल वर्क है, फुली कटिंग में प्रोफाइल लाइट्स हैं, स्टेज टाइप पे ग्रेनाइट है। और ये रेलिंग में आप देख सकते हैं ग्लास यूज़ किया गया। ये हम ऊपर आ गए हुए हैं इसकी लॉबी में और सबसे पहले इसकी फ्रंट वॉल को आप देख सकते हैं, प्रॉपर डिज़ाइन किया गया इसे, वुडन वर्क है, ग्लास वर्क हुआ, ये बॉक्स दिया गया स्टोरेज के लिए। सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये टेक्सचर पेंट किया गया यहाँ पे, सीनरी या इंस्टॉल है। और अगर आप इस साइड से व्यू करें तो आप देख सकते हैं ये स्टेज ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करेंगे। इसके साथ ये टेरेस की विंडो आप देख सकते हैं, डोर को बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन किया गया। ये हम लास्ट में विजिट करेंगे। तो ये इसका लिविंग एरिया, सबसे पहले हम इसका लिविंग एरिया विजिट करेंगे। ये बिल्कुल सामने इसकी फ्रंट वॉल आप देख सकते हैं, कटिंग में टाइल वर्क है, प्रोफाइल लाइट्स हैं, ग्लास वर्क हुआ है यहाँ। तो लिविंग एरिया की ओवरऑल आप इसका कलर थीम देख सकते हैं, डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसे लुक प्रोवाइड की गई है। सीलिंग डिज़ाइन इसका बिल्कुल सिंपल है, शैंडल या इंस्टॉल है, फैन या इंस्टॉल है। और फ्रंट मेन वॉल पे आप व्यू कर सकते हैं, ग्रूव्स में टाइल वर्क है, ग्लास पैनल यूज़ किया गया है और ये ब्रास वर्क हुआ है यहाँ, ग्लोब या इंस्टॉल है। तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत जो है इसका लिविंग एरिया फर्स्ट फ्लोर पे भी एक लुक प्रोवाइड कर रहा है। और फर्स्ट फ्लोर पे थ्री बेडरूम दिए गए हैं, दो बेडरूम ये बैक साइड पे हैं और थर्ड बेडरूम ये एलिवेशन वाली साइड पे डिज़ाइन किया गया है। तो ये हम इसका फर्स्ट बेडरूम सबसे पहले विजिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे भी एक डिफरेंट जो है आइडिया के साथ और बहुत ही खूबसूरत इसे ओवरऑल डिज़ाइन किया गया है, बेड साइड वॉल को पोशिश किया गया। ये ब्रास वर्क है, ग्रूव्स में टाइल वर्क है, यहाँ पे ग्लोब या इंस्टॉल है। इसके साथ सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं इसका, फैन या इंस्टॉल है। और नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क आप व्यू कर सकते हैं, वुडन डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क हुआ है। बेड साइड वॉल के सामने ये मीडिया वॉल को डिज़ाइन किया गया, एलईडी यूनिट। ये हम इसका वॉशरूम विजिट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दूसरे वॉशरूम्स की तरह बहुत ही खूबसूरत इसे भी ओवरऑल टाइल वर्क के साथ से मुकम्मल किया गया। शावर स्पेस को सेपरेट किया गया। ये बिल्कुल सामने ये वैनिटी दी गई है, मिरर
और ये विंडो दी गई, यहाँ पे निश दी गई है, और ये इसमें कमोड एरिया आप देख सकते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन किया गया। तो ये इसमें फर्स्ट बेडरूम की डिटेल थी। ये हम वापस आएंगे इसके लिविंग एरिया में, और इसके साथ ये सेकंड बेडरूम आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत इसे भी डिज़ाइन किया गया। बिल्कुल सामने ये निश है, टेक्सचर पेंट है, ये यहाँ पे डबल विंडो दी गई है। ये इसमें बेडशीट बोल डिज़ाइन की गई है, टेक्सचर पेंट है, वुडन प्लैंक्स हैं, ग्लो भी इंस्टॉल हैं, और बेडशीट बोल के सामने एलईडी यूनिट है। यहाँ पे एक कंसील वार्डरोब मिल जाती है आपको, और ये इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हर वॉशरूम को एक अलहदा और डिफरेंट आइडिया के साथ डिज़ाइन किया गया, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। बिल्कुल सामने ये वैनिटी मिरर, और ये इसमें शावर स्पेस को सेपरेट किया गया, और ये व्यू कर सकते हैं फुली टाइल कवर्ड ऐसे डिज़ाइन किया गया है, और निश दी गई यहाँ पे, ये इसमें विंडो दी गई है, और ये आपका कमोड एरिया जाता है। तो इस तरह इसका ये सेकेंड बेडरूम जो है इसे कम्प्लीट किया गया। अभी हम इसका लास्ट में थर्ड बेडरूम विजिट करेंगे, और ये थर्ड बेडरूम इसमें ये फ्रंट एलिवेशन वाली साइड पे डिज़ाइन किया गया, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, ये इसमें बेडशीट बोल डिज़ाइन की गई, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से टेक्सचर पेंट किया गया है। MDF शीट यूज़ की गई, यहाँ पे ग्लास वर्क है, और ये मोल्डिंग वर्क आप देख सकते हैं, फ्रेम डिज़ाइन किया गया, ग्लो भी इंस्टॉल है, और बेडशीट बोल के सामने ये मीडिया बोल डिज़ाइन की गई है, ये कंसील वार्डरोब दी गई यहाँ पे, और ये इसमें विंडो है जो सामने से फ्रंट एलिवेशन में ऐड होगी, कर्टन इसमें यूज़ किए गए। ये इसमें वॉशरूम एरिया आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। बिल्कुल सामने वैनिटी है, राउंड इलेक्ट्रिक मिरर है, फुली टाइल कवर्ड इसे डिज़ाइन किया गया है। ये इसमें विंडो दी गई है जो इसके टेरेस की तरफ ओपन होगी, और शावर स्पेस आप देख सकते हैं इसे सेपरेट किया गया, ये ग्लास यूज़ किया गया, और यहाँ पर ये कमोड एरिया आ जाता है आपका। तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत जो है इसके स्पेस को यूटिलाइज किया गया। तो ये इसमें इसके फर्स्ट फ्लोर का टूर था, और आप देख सकते हैं डिज़ाइनर हाउस है, बहुत ही खूबसूरत ओवरऑल इसकी लुक है। अभी हम आपको इसकी छत और मम्टी विजिट करवा देते हैं, इसके लिए हम वापस आएंगे इसकी लॉबी में। तो इससे पहले ये हम इसका टेरेस विजिट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका ये डोर डिज़ाइन किया गया, और ये इसमें डोर को और विंडो को सेपरेट किया गया, यानी कि अमूमन ये स्लाइड विंडो होती है, वहीं से आपने इंटरेस्ट लेनी होती है टेरेस की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर यूनिट दिया गया, टाइल वर्क है, सिटिंग के लिए बेंच दिए गए हैं, और ये फ्रंट से इसे कवर्ड किया गया, और यहाँ पे प्रॉपर आप सिटिंग कर सकते हैं बिल्कुल इजी। जी अभी हम इसकी छत और मम्टी विजिट करेंगे, और आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल लाइट्स दी गई यहाँ पे स्टेज के साथ। तो A+ इस घर की कंस्ट्रक्शन है, लोकेशन इसकी बहुत ही आइडियल है। तो और इसके अलावा इसमें डिज़ाइनर हाउस है ये, ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत इसमें वर्क किया गया, और कहीं पे भी कोई पेमेंट की बचत नहीं की। ये हम आगे हो गए हैं ऊपर इसकी छत पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर जो है बारबेक्यू प्लेस दी गई है, इसे डिज़ाइन किया गया, बर्नर या इंस्टॉल है, ये सिटिंग के लिए बेंच दिए गए, और ये वॉशरूम स्पेस जो है अलहदा से डिज़ाइन की गई है सर्वेंट के लिए, और ये आप देख सकते हैं एशियन सीट या इंस्टॉल है, और इसके अलावा ये रूम जो है ये इसमें सेपरेट डिज़ाइन किया गया। तो प्रॉपर जो है स्पेस दी गई यहाँ पे बेडरूम के लिए, एक सर्वेंट की रहाइश का कंप्लीट जो है बंदोबस्त किया गया ऊपर ममटी में इसके स्टोर रूम में, और यहाँ से आप इसकी ओवरऑल ब्लॉक का व्यू देख सकते हैं, और ये पार्क देख सकते हैं बिल्कुल सामने, बड़ा पार्क मौजूद है। तो इंतहाई मुनासिब रेट पे A+ कंस्ट्रक्शन में डिज़ाइनर हाउस ये अवेलेबल है। अभी जो दोस्त 10 मरला घर बाय करना चाह रहे हैं, अच्छी लोकेशन पर हो, और अच्छी कंस्ट्रक्शन हो, डिज़ाइनर हाउस हो, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।